डाक बंगला पूंछ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। डाक बंगला पूंछ में प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका चुनावों में जीत हासिल करने वाले पार्षदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी पार्षदों ने नगर में विकास करवाने का भरोसा दिलवाया और साथ ही नगरवासियों का धन्यवाद प्रकट किया, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर मतदान में उनको विजेता घोषित करवाया। पैगाम है स्वच्छता। अगर हम साफ है तो सेहतमंद। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, सॉलेमनली अफर्म दैट दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड दैट आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज अपॉन व्हिच आई एम अबाउट टू एंटर। थैंक यू। Do swear in the name of God. Do swear in the name of God. Solemnly affirm that I will bear true. That I will bear true. Faith and allegiance to the Constitution of India. To the Constitution of India. As by law established. And that. I will faithfully discharge the duties upon which. निकाली हुई है वो 6 को फॉर्म फिल करने की डेट है। 6 से पहले आदमी प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट का फॉर्म भरना, देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं ठीक ही होता है। ठीक है, जब हमें समर्थन सब का मिला हुआ है तो वोटिंग की क्या जरूरत है? 10 आदमी का समर्थन है हमारे पास तो 9 तो चाहिए, 10 से ज्यादा वोटिंग क्या? देर इज नो नीड फॉर वोटिंग। वोटिंग की जरूरत है, वोटिंग उस तरीका उस पहलू में होती है जी, यहाँ पर आदमी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो। हमारी स्ट्रेंथ पूरी है, 10 पूरे हैं। हम कल मेमोरेंडम पेश करेंगे उनको, डीसी साहब को या जो भी इंचार्ज है कि वी में भी परमिटेड है। साथ जो हमारा पुराना एक ये धरोहर है, ये एक तारीखी शहर है। इसकी किन वजह से इसकी जो तारीखी है वो कहीं आस्था आस्ता गुम हो रही थी, हम उसे बहाल करने के लिए जिस तरह स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड हमें मिले होंगे, हम सबको हासिल करने की पूरी कोशिश कर उस इस शहर को अच्छा साफ सुथरा प्यार भरा बनाने की कोशिश। लोगों ने हमारे से उम्मीद जताई है, तभी हमें उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बट मुमकिन कोशिश करेंगे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आज ना सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी यहाँ शपथ थी, जिससे मतलब जो लोगों ने हमसे उम्मीदें लगाई हुई हैं हम उन पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो लोगों ने हमें वोट दिए उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो बस और क्या, जो वो मुझे अपना अपना व्यू देते जाएंगे उस पे मैं उसकी खरी उतरने की कोशिश करूँगी। यह पूंछ हमारा म्यूनसिपल काउंसिल है, आज इसकी वोट हुई है। ये पूरे जे एंड के स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब का ऑर्डर था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आज के दिन 30 अक्टूबर 2018 को हर जगह और उस की कड़ी में उस विषय पर आज हमने 17 के 17 जो चुन के आए हैं हमारे कॉर्पोरेटर म्यूनसिपल कौंसिल पूंछ से, उनको हमने आज वोट दी है। राज और खलबरदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हदायत थी कि मेंबर्स को जो वोट बनी है वो इसी साहब के हुक्म के मुताबिक आज 30 को हमारी जो नए चुने हुए कॉर्पोरेटर हैं उनकी वोट करवाई है एसीआर साहब ने। तो इसके बाद जब भी इनका इलेक्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, जैसे भी कौंसिल बन जाती है हम उनका पूरा शाना बशाना उनके साथ चलकर उनको पूरी गाइडेंस देंगे जो करना है, और उनका काम है डेवलपमेंट करना, हमारा काम है उनको असिस्ट करना। और इसके मुतलक हम उनका वेलकम करते हैं कि नई कौंसिल चुनकर आई है और उसको उनके साथ बहुत ही